गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ वीडियो पार्ट वन ऑफ क्लास सेवेंथ इंग्लिश एंड इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग यूनिट नंबर थ्री एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड एक्टिविटी नंबर वन। रीड द आर्टिकल केयरफुली, आप जो भी आर्टिकल्स दिए हुए उनको केयरफुली ध्यान से पढ़ना है। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको जो वर्ड समझ में नहीं आए उन्हें आपको मार्क करना है। यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। आप जो है डिक्शनरी, इंटरनेट और अगर आपका कोई क्लासमेट हो तो उसका उनकी हेल्प लेकर के इन वर्ड्स का मतलब समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर वन। अडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013, 5:18 PM द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। ये जो आर्टिकल लिया गया है वो एक न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम्स उसका आर्टिकल है और इस आर्टिकल को लेने वाले जो है वो है डॉक्टर पेरी क्लैस। डॉक्टर पेरी क्लैस ने जो है ये आर्टिकल लिया हुआ है और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम देखते हैं। हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रेन, कि जो विज्ञापन होते हैं, जो प्रचार एडवर्टाइजमेंट आती हैं आप टीवी वगैरह पे देखते हैं, वो बच्चों के ऊपर क्या असर डालते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डॉक्टर पेरी क्लास क्या कहती हैं। आई वुड लाइक माई चिल्ड्रेन टू बी अवेयर, मैं अपने बच्चों को जागरूक करना चाहती हूँ, जागरूक करना चाहूँगी अबाउट एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के बारे में। जो भी एडवर्टाइजिंग आती है उसका क्या असर है, क्यों दिया जाता है, वो सब सारी चीज़ें जो है अपने बच्चों को बताना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू देम टू ग्रो अप अलर्ट टू द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इस तरह से चौकन्ना हों, बड़े होते होते उनको सारी जानकारी प्राप्त हो। द वेज पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स, कि किस तरीके से लोग जो है अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश उनको करते हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे समझें कि समटाइम्स कभी कभी पीपल हु वॉन्ट योर ट्रस्ट, लोग जो आपका विश्वास चाहते हैं, जो आपको आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, आर नॉट रियली योर फ्रेंड, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं होते। आप एडवर्टाइजिंग देखते हो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दे आर नॉट अवर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त नहीं हैं, वो खाली अपनी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग तैयार करते हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रेन, जो रिसर्चर्स खोजकर्ता जो है उन्होंने बहुत अध्ययन किया है इसके बारे में कि बच्चों के ऊपर इन एडवर्टाइजमेंट का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। स्टडीज शोज दैट, जो अध्ययन है वो बताती है, एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो सिगरेट और अल्कोहल के लिए होते हैं, डज हेल्प पुश चिल्ड्रेन, जो बच्चों को क्या करती हैं, ढकेलती हैं, किस दिशा में ढकेलती हैं, यंग पीपल टूवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर, है ना, उनका व्यवहार जो है उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, इस दिशा में जो है वो बच्चों को ढकेलती हैं। बच्चे भी क्या करते हैं, सिगरेट और अल्कोहल के जो है नज़दीक पहुंच जाते हैं, वो भी इसका यूज़ करने लगते हैं। बट इट ऑल्सो शोस दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, लेकिन यह स्टडी जो है, जो अध्ययन जो है वो यह भी बताता है कि इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन, बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है, एज एडवर्टाइजर यूज़ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आज केवल टीवीज़ पर ही नहीं आ रही है, वो जो है इंटरनेट और सोशल मीडियाज़ पे भी जो है कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग चल रही है। आप कोई भी सर्फिंग करो आप इंटरनेट पे, या आप यूट्यूब देखते होगे, या फिर आप कोई गेम खेलते होगे, तो आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग जो है वो दिखाते हैं। तो हर जगह जो लोग उन लोगों ने क्या किया है, कवर करके रखा है, इसीलिए बच्चों को जो है एडवर्टाइजिंग से बचाना आज के दिन में बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा डॉक्टर पेरी क्लैस कहती हैं।
अभी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेज इश्यूज। जो फूड एडवर्टाइजिंग होती है, आप मैगी ना नूडल्स के ऐड देखते हो, आप चॉकलेट्स के ऐड देखते हो, आइसक्रीम के ऐड देखते हो, कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड देखते हो, शुगरी ड्रिंक्स के ऐड देखते हो, फास्ट फूड के ऐड आते हैं, ये सभी जो है फूड एडवर्टाइजिंग होती हैं, जो बच्चों को खाने के सामान जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनका भी एक आज जो है ना आजकल के जीवन में बहुत बड़ी समस्या हो गई है इनके लिए भी, क्योंकि ये भी अलग अलग प्रोडक्ट जो है बच्चों को केवल अच्छी अच्छी एडवर्टाइजिंग के द्वारा बेचना चाहते हैं। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन वेबसाइट सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स। बच्चे जो हैं ये एड्स जो एडवर्टाइजमेंट है फूड की, वो टेलीविजन वेबसाइट सोशल मीडिया और मोबाइल्स पे लगातार देखते रहते हैं। मेनी चिल्ड्रन प्ले एडवर गेम ऑनलाइन। बहुत से बच्चे जो हैं वो एडवर गेम भी ऑनलाइन खेलते हैं। अब ये एडवर गेम क्या होते हैं? एडवर गेम ऐसे गेम होते हैं जो एडवर्टाइजर्स बनाते हैं अपने फूड आइटम्स को प्रमोट करने के लिए। वो ऐसी गेम बनाते हैं ताकि बच्चे क्या करें, उस गेम को जब ओपन करेंगे खेलेंगे तो वो बीच बीच में क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग देते हैं अपने फूड आइटम्स का, अपने अलग अलग जो भी उनको सेल करना है, जो भी उनको बेचना है उसका जो है वो एडवर्टाइजिंग देते रहते हैं। तो ऐसे गेम्स को हम एडवर गेम कहते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे गेम्स आप खेलते होंगे तो आपको अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती होगी, आपको बैक करना पड़ता है बार बार। दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रेन देट आर क्रिएटेड बाई एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट। ऐसे गेम्स होते हैं बच्चों के लिए जो प्रमोट किए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजर्स बनाते हैं और ऐसे गेम्स को हम एडवर गेम कहते हैं। एंड वॉट आर ऑल दीज फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रेन। और ये जो फूड के एडवर्टाइजमेंट हैं ये बच्चों को क्या बेचते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ बेचते हैं? अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, है ना, एक अध्ययन के अनुसार इसके ऊपर रिसर्च की गई है, तो उसके अनुसार क्या कहा गया, द टॉप फोर प्रोडक्ट आर, जो चार टॉप फोर प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा जो है सेल किए जाते हैं फूड आइटम्स में, वो हैं फास्ट फूड, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी, है ना। अपने ये सभी जो है प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज के नाम पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन, अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ डॉक्टर एट ल्यूसिल पेकर्ट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन है जो प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक डॉक्टर भी हैं ल्यूसिल पेकर्ट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में। हैज लुक्ड इन टू चाइल्डहुड ओबिसिटी। चाइल्डहुड ओबिसिटी मतलब कि बचपन का मोटापा। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया है और क्या कहा है, इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। उन्होंने कहा इसका सीधा नाता जो है स्क्रीन टाइम से। स्क्रीन टाइम मतलब आप कितने समय पर कंप्यूटर की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, जितने टाइम तक आप ज़्यादा देखते हो उनमें ज़्यादा ये ओबिसिटी का प्रॉब्लम होता है। मीन्स जो लोग ज़्यादा देर तक टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब का यूज़ करते हैं उनमें ये मोटापा आ जाता है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट विथ प्री स्कूलर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल्स में जाते हैं उनमें जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। एंड ही टोल्ड मी, और उन्होंने पेरी क्लास को बताया, वी हैव फाउंड दैट इवन अ 30-second एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। उन्होंने पेरी क्लास को क्या बताया कि उन्होंने ऐसा पाया है कि केवल 30-second की एडवर्टाइजमेंट जो होती है, जो प्रचार विज्ञापन जो आते हैं नए प्रोडक्ट के, वो क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो पसंद है, जो पहले की पसंद थी, मान लो वो पहले कोई और कंपनी का नूडल्स जो है वो पसंद करते थे खाना, अब उन्होंने एक नया कंपनी आया उसकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने इतनी अच्छी बनाई है, इतनी शानदार बनाई है कि बच्चों के ऊपर सीधा उसने टारगेट किया और जो बच्चों की पुरानी जो प्रिफ्रेंस थी, पुरानी जो पसंद थी उसको पूरा बदल दिया। तो डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन कहते हैं कि केवल 30-second की एड जो है बच्चों की पूरी पसंद को बदल देती है। ये मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अभी इस पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि ब्रांड का क्या इफेक्ट होता है। जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंपनीज के ब्रांड होते हैं, तो यहाँ पर एक ब्रांड का नाम दिया है जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। आपने मैकडॉनल्ड्स के पिज्जास, बर्गर ये खाए होंगे या देखे होंगे,
तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनके केवल हम रेपर देख के ना, ऊपर का जो कवर होता है खाली उसको देख कर ऐसा मान लेते हैं कि इसमें जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छी होगी, है ना, चाहे वो कैसी भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है, बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है कि वो चीज़ बहुत अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, बार बार जो है हम वो एडवर्टाइजमेंट जो है बच्चों के दिमाग को टारगेट करते हैं। आइए रीड करते हैं। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ ब्रांडिंग बाई गिविंग 3 to 5 years old 2 portions ऑफ आइडेंटिकल फूड। एक स्टडी में डॉक्टर रॉबिन्सन ने जो है ब्रांड का इफेक्ट देखा 3 से 5 साल के बच्चों के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक आइडेंटिकल फूड जाना पहचाना जो है खाने का चीज है उसके 2 portions कर दिए अलग अलग, वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड्स रेपर, और एक के ऊपर जो है मैकडोनल्ड्स का रेपर, है ना, प्लास्टिक का जो कवर आता है ऊपर का, उस पर मैकडोनल्ड्स का रेपर चढ़ा दिया। द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पॉइंट आउट विच फूड्स टेस्टेड बेटर, और बच्चों को पूछा गया कि आप बताओ कि इनमें से कौन सा फूड ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा अच्छा है। एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट फूड वी हैव लेड आउट ऑन द रेपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डॉक्टर रॉबिन्सन कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने रेपर के अंदर कौन सा फूड अंदर रखा हुआ है। ओवर विहेमली फॉर हैमबर्गर्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैकडोनल्ड्स के हैमबर्गर बहुत अच्छे होते हैं, सभी ने खाए हुए हैं, तो उस हैमबर्गर की वजह से उसके अंदर चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे फ्रेंच फ्राइज हो, बेबी कैरेट हो, मिल्क हो, जूस हो, वो सभी जो है बच्चे जो है उनको ऐसा लगता है कि मैकडोनल्ड्स की सारी चीज़ें जो है अच्छी होंगी। किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द मैकडोनल्ड्स रेपर ए टेस्टिंग बेटर, तो बच्चे जो है हमेशा किस पर पॉइंट आउट करेंगे, जिस पे जो है मैकडोनल्ड्स का रेपर लगा हुआ है। अप टू द एज ऑफ 7 or 8 रिसर्चर्स सेज चिल्ड्रेन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। खोजकर्ता कहते हैं कि 7 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं दे कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो विज्ञापन की जो प्रकृति है ना, जो सही सोच है विज्ञापन के बारे में उसको समझ नहीं पाते। दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यू देम, है ना, वो ये पता नहीं कर पाते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, वो उनको लुभाने की, है ना, उनको मनाने की केवल कोशिश की जा रही है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं है बच्चों को, वो ये चीज़ को समझ नहीं पाते। वॉट कैन पेरेंट्स डू, तो जो माता पिता है वो क्या कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट से बचने के लिए। चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट, बच्चे जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो है गिव अप नहीं करने वाले, टीवी और इंटरनेट का यूज़ जो है बच्चे एकदम से बंद नहीं करने वाले हैं। विथ यंग चिल्ड्रेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी इज प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम, जो जवान बच्चे हैं, जो उन बच्चों के लिए सबसे अच्छी जो स्ट्रेटेजी है, तरीका जो सबसे अच्छा है, तो उनको क्या करना चाहिए, जो उनकी स्क्रीन टाइम है, मतलब कि वो जितने टाइम मोबाइल, जितने टाइम टीवी और इंटरनेट यूज़ करते हैं उस टाइम को कम किया जाए, उनको कम टाइम के लिए ये चीज़ें यूज करने दी जाए। एंड द नंबर ऑफ मैसेजेज दैट चिल्ड्रन टेक इन एंड टू कीप अप विद दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी और यूज इंटरनेट, है ना, और नंबर ऑफ मैसेज जो है वो भी कट किए जाए कि कितने देर तक वो लोगों से चैटिंग करते हैं या बातचीत करते हैं इंटरनेट और टीवी के जरिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, लेकिन डॉक्टर रॉबिन्सन के अनुसार व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन। डॉक्टर रॉबिन्सन कहते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, जब बच्चा किसी चीज़ की मांग करता है ना, किसी प्रोडक्ट को देखकर टीवी में वो खुश हो जाता है और चाहता है कि मेरे पास माता पिता उसको ला के दें, जब वो पेरेंट्स से मांगे, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सीधा मना नहीं कर देना चाहिए। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकोगनाइज दैट दे आर बींग परस्यूडेड, पेरेंट्स को बच्चों को समझाना चाहिए कि पेरेंट्स जो है बच्चों को समझाए कि दे आर बींग परस्यूडेड, कि उन्हें क्या किया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, फुसलाने का, बहकाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट रिस्पॉन्ड वेल, व्हाई डू यू वॉन्ट दैट,
है ना, डॉक्टर रॉबिन्सन पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए व्हाई डू यू वांट दैट, आपको ये क्यों चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आपने टीवी या इंटरनेट पे देखा है आपको ये क्यों चाहिए, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, आपने इसके बारे में कहाँ से सुना, इफ़ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सो इट ऑन टीवी ऑन ऑन द इंटरनेट, अगर बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैंने इसको टीवी में देखा या इंटरनेट में देखा, व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज, तो आप उनसे पूछिए कि ये मैसेज जो है एडवर्टाइजर्स ने ये एडवर्टाइजिंग क्यों दी है, डू यू थिंक दे वांट यू टू बाय इट, क्या तुम सोचते हो कि ये वो लोग तुमसे ये खरीदवाना चाहते हैं, व्हाई वुड दे वांट दैट, और वो ऐसा क्यों चाहेंगे, टॉक टू योर चिल्ड्रेन अबाउट व्हाई पीपल सेल थिंग्स, अपने बच्चों से आप बात कीजिए कि लोग अपनी चीज़ों को क्यों बेचना चाहते हैं, help your children understand that seller want to sell things but buyers have to decide if they want to buy, बच्चों को आप समझाइए कि जो sellers होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, advertisers होते हैं, वो केवल अपनी चीज़ों को बेचने के लिए ये advertisement करते हैं, लेकिन हम जो खरीदने वाले हैं उनको decide करना चाहिए कि क्या उन्हें ये चीज़ चाहिए, खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये हमारे लिए profitable है या नहीं है। In our information rich world, आज की इस जानकारी भरी दुनिया में, है ना, कि हम लोग कहीं से भी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए, वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग, है ना, हमें पता होना चाहिए, पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि बच्चे कौन सी चीज़ रिसीव कर रहे हैं, मीन्स कौन सी चीज़ों को देख रहे हैं, एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू सेल देम, और बच्चों की मदद करनी चाहिए पेरेंट्स को कि लोग उन्हें कौन सी चीज़ जो है बेचना चाहते हैं, उसका क्या टारगेट है, क्या इफेक्ट है बच्चों के ऊपर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट एंड थैंक यू।